Hi, this is Shekhar. It's Reem Sheikh, and you guys are watching us on Telefilms. बस पहले तो थैंक यू सबको कि इतना प्यार देने के लिए गाने को, और 10 लाख व्यूज़ हो चुके हैं, 1 मिलियन हो गए हैं, और ये गाना मेरे मतलब बहुत बहुत क्लोज हूँ मैं इस गाने से. जब ये गाना बनाया हम लोगों ने मिलके, तो बाकी शूट पे बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत अच्छा लाइक एनवायरनमेंट था. ऐसा नहीं लग रहा था हम शूट कर रहे थे, राइट? पिकनिक. एंड मैंने एक्चुअली ये गाना सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से गाया इसलिए किया. आई जेन्युइनली हैड नो अदर यू नो मेन रीज़न कि मुझे ये गाना क्यों करना है. एंड यू नो ऐसा नहीं था कि कहीं इंटरनेशनल शूट हो रहा था तो उस लालच में कर लिया. और यू नो आई हैड नो अदर इंटेंशन टू डू द सॉन्ग अपार्ट फ्रॉम द अमेजिंग ऑडियो दैट आई हर्ड जो इनकी आवाज़ में था. एंड रही बात हमारे शूट की, सो एक दिन का शूट था ये पूरा गाना. हमने एक दिन, नॉट इवन एक पूरा दिन एक्चुअली, आधे दिन में शूट किया है. या एंड व्हिच वाज माय पर्सन या पूरे गाने में मेरा आई रियली लाइक द रेड वाला आउटफिट एंड ऑल्सो द वन दैट आई एम वेयरिंग इन द पोस्टर. आई रियली लाइक दैट आउटफिट. मतलब मुझे पता नहीं पोस्टर में कितना अच्छा लग रहा है सबको या नहीं लग रहा, बट जब मैंने पहना था सो यू नो इट वॉज वेरी बार्बी एंड वेरी डॉल लाइक आउटफिट. तो वो रेड वाला एंड दिस ब्लू वन इज माई फेवरेट. मेरा तो फेवरेट येलो वन और लाइक ये शर्ट एंड येलो वन. या प्यार तो यही है, जिससे प्यार किया उसी से शादी कर ली. तो बस प्यार के बारे में तो क्या ही बोलूँ. वो अगर आपके साथ हो तो सब ठीक ठीक होता रहता है आपकी लाइफ में. प्यार का फर्क हो गया यार, अब तो 7 साल हो गए. Well, I think for me the first attraction it's yet to happen and I'm very excited for it to happen because मैं हमेशा से वो लड़की रही हूँ जो प्यार में बहुत भरोसा करती है. एंड यू नो लिटिल ओल्ड स्कूल रोमांस के यू नो वो एक इंसान आएगा जैसे कि आई डोंट नो यार, मेरे प्यार को लेके जब डेफिनेशन आती है तो वो बहुत लंबी चली जाती है. बट या आई थिंक आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माय अट्रैक्शन ऑफ लव. आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट पर्सन विद हुम आई विल ट्रूली डीपली फॉल इन लव विद एंड हु विल डीपली एंड ट्रूली फॉल इन लव विथ मी एज वेल, बिकॉज आई बिलीव इन द पावर ऑफ लव एंड आई विल बिलीव इट नो मैटर कि मैं यू नो कितनी ही कहानियाँ अपने आसपास हमें आजकल सुनने मिलती है, ब्रेकअप्स एंड डिवोर्सेज एंड वॉट नॉट, बट आई हैव ऑलवेज हैड माई फेथ इन लव इररिस्पेक्टिव मैंने कितनी ही नेगेटिव चीज़ें क्यों ना सुनी हो. एंड आई थिंक प्यार में कम्फर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कम्फर्ट ना हो तब तक यू नो वो प्यार प्यार नहीं होगा. इफ़ यू ऑलवेज हैव टू बी कॉन्शियस के यू नो आई हैव टू लुक अ सर्टन वे, आई हैव टू मेक श्योर कि मैं अच्छी दिख रही हूँ हमेशा, यू नो आई एम स्मेलिंग गुड ऑल द टाइम, दिस एंड दैट, आई थिंक वो फिर वो थोड़ी बनावटी हो जाती हैं चीज़ें. सो फॉर मी लव इज़ कम्फर्ट एंड ऑब्वियसली लव इज़ फ्रेंडशिप. सो Yes. 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 Yeah. Honestly, it's been a beautiful journey of 15 years almost. मतलब 14 हो गए, 15
एंटरिंग माई 15th ईयर एंड पता नहीं चला यार वक्त कहाँ चला गया. ऑनेस्टली मुझे तो पता ही नहीं चला वक्त कहाँ चला गया. एंड रही बात यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स एंड एवरी थिंग, आई स्टार्टेड प्रीटी यंग. सो यू नो आई थिंक आई एम वेरी लकी कि मुझे हर तरह के रोल्स करने मिले. जब मैं छोटी थी तो यू नो तब एक अलग तरह के रोल्स करने मिलते थे. यू नो लाइक यू नो मैंने व्हेन आई डिड ये रिश्ता सो इट वाज अबाउट चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड माय फर्स्ट शो वाज अबाउट यू नो इट वाज अबाउट देवी के एक नॉर्मल लड़की पैदा होती है उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है. सो यू नो आई थिंक आई हैव बीन ब्लेस्ड टू हैव दोज रोल्स एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड कि मुझे जितने प्रोड्यूसर्स और जितने चैनल ने मुझ में फेथ दिखाई उन रोल्स के लिए आई हैव बीन ब्लेस्ड विद दोज रोल्स. एंड इवन बड़े होने के बाद जब मैंने यू नो लाइक आई डिड राबता देन आई डिड फना एंड देन तेरे इश्क में घायल हैपन दे ऑल हैव बीन डिफरेंट. राबता में तो मैं बड़ी हुई हूँ क्योंकि वो शो ही 3-3.5 साल चला था उसमें तो मैं लिटरली बड़ी हुई हूँ. बाकी आई मीन लाइक Yeah, I entered my 18 during that show. I started off when I was 15. So it's been a beautiful journey and main Allah ka shukr ke alawa kuch nahi kar sakti. Honestly, I'm running short of words now. नहीं एज सच ऐसा कुछ डिफिकल्ट तो नहीं था बट हाँ डांस करना बहुत डिफिकल्ट था. हाँ सब इजी था कुछ ऐसा नहीं लगा. ऐसे ही नहीं था वो तो मैंने ऑन फ्लोर ऐसे यू नो कुछ भी कर लिया बट ही एक्चुअली डिड द हार्ड वर्क ऑफ रिहर्सिंग टिल मिडनाइट. इवन दो हैविंग अ 6 AM कॉल टाइम ही वाज स्टिल रिहर्सिंग टिल मिडनाइट एंड आई एम अ प्रूफ टू दैट सो हैट्स ऑफ टू हिम. नहीं थैंक यू. कास्टिंग वाले हमारे पीछे खड़े हैं उन्होंने कास्टिंग की तो फिर जब मैंने देखा तो मैं कहा आई थिंक शी इज़ परफेक्ट फॉर द सॉन्ग. आपकी तारीफ हो रही है आओ ना. यही है वो इंसान जिन्होंने हमारा पैर किया इस गाने के लिए तो अगर आपको अच्छा लगा थैंक्स टू हिम. बाकी आप बताओ आपको हमें आपको क्यों लगा हम दोनों अच्छा लगे अच्छे लगेंगे इस गाने. ये जो जोड़ी है काफी अच्छी लग रही है मुझे काफी पर्सनली. मैंने पूरा गाना देखा दे आर लुकिंग वेरी गुड टुगेदर. टेल अस अबाउट द कास्टिंग किस तरह से हुई कास्टिंग के बारे में. कुछ तो बोला यार. दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लग रही थी और दोनों की पहले प्रोफाइल एक एक फ़ोटोज़ देखी कौन मतलब काफ़ी वो चल रही थी कि बहुत टफ़ था कि कौन शेखर भाई के साथ अच्छा लगेगा. तो लास्ट डिसीजन हमारा ये था कि रीम ही सूट हो रही है और दोनों यार रीम वॉज द फर्स्ट चॉइस एज यूजुअल. हाँ थैंक यू दैट्स अ रियली बिग कॉम्प्लीमेंट बट यू नो इट्स जस्ट दैट के एज एन एक्टर आपको अपने आप को इतना पॉलिश करना पड़ेगा. लाइक आई रिमेंबर वेरी वेल रानी मुखर्जी वंस सेड इन हर इंटरव्यू दैट शी पॉलिश्ड हर सेल्फ एज एन एक्टर एंड यू नो शी वो अपना क्राफ्ट पर इतना काम करती है कि अगर आप उनको एक पेड़ से भी रोमांस करवा दो वो कर लेंगी. So I think that's an actor's job to you know work on their craft that well ke unhe chemistry kaise banani hai comfort kaise lana hai do logo ke beech mein audience ko acting is about fooling the audience ko utni achhi tarah se bewakoof kaise banana hai that wo yakeen kar le that I am not meeting him for the first time but we've been lovers since the last 4-5 years. तो वो एक एक्टर का काम होता है एंड अगर आप कह रहे हैं कि यू नो हर इंसान के साथ मेरी केमिस्ट्री वैसे पुल ऑफ हो जाती है सो शायद कहीं ना कहीं मैंने वो एक क्राफ्ट अचीव किया है बट इट्स स्टिल येट टू अचीव. हाँ 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 यस वो मैंने काफ़ी अपने जहर में बिठा ली थी बिकॉज आई डू वॉच अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज एंड यू नो कुछ बातें ऐसी हो जाती होती हैं कुछ एक्टर्स की एंड रानी मुखर्जी हैपन्स टू बी वन ऑफ माई फेवरेट्स सो मेरे जहन में बैठ गई एंड आई वाज लाइक यार
आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू वर्क ऑन. नहीं, आई थिंक इन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल किया शूट पे. लाइक मैं बहुत फर्स्ट शूट था ना लाइक मेरा, और मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे कैमरे में एक्टिंग की है, तो उन्होंने बहुत कंफर्टेबल बहुत मुझे ऐसे बताया कि ऐसे 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 ऐसे. तो ऑल थैंक्स टू यू. हाँ, अभी अक्टूबर में नेक्स्ट रिलीज, देन नवंबर में एल्बम लॉन्च कर रहे हैं हम लोग. एल्बम का पहला गाना आ रहा है और एल्बम का जो नाम है वो है जाने मन शराब. तो वो टाइटल और फर्स्ट सॉन्ग भी जाने मन शराब ही रिलीज़ कर. Honestly, for me, I would like to just pick up another good script, and I am also waiting for that one good script to come my way. But yes, I do have plans to come back on screen very soon, inshallah. So just be a little more patient, and I'll be back soon. Honestly, as I said, I am waiting for a good script, and I always hunt for a good script. Like Teresh Meghal was also a good script, even though it was on TV. So very similarly, I'm waiting for a good script, and but I do have things planned, and you will know soon. Actor bhi aaye, singer bhi aaye, to do do line aapko bhi. Main gaana nahi gaari, sorry. I'm दीवाना मुझे तेरा बना ले, जी लेंगे थोड़ा इसी बहाने, आँखों से थोड़ी मुझे पिला दे, जी लेंगे थोड़ा इसी बहाने.